हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, महाराष्ट्र जो स्पाइसी फूड है, चटपटा फूड खाने के शौकीन हैं, उनके लिए एक जन्नत है महाराष्ट्र। उसमें से एक रेसिपी है मिसल पाव। मिसल पाव तो नॉर्मली बहुत खाई होगी आप लोगों ने महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर भी, लेकिन आज हम लोग तांबड़ा रस्सा मिसल बनाने वाले हैं। उसका मसाला एक अलग प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये मठ है, मूंग नहीं है। बहुत लोग इसे मूंग समझ लेंगे, लेकिन ये मठ है। जैसे हम लोग मूंग को भिगो के अंकुरित करते हैं, वैसे ही इस मठ को भिगो के आपको अंकुरित कर लेना है। 200 ग्राम, यहाँ तो रेडीमेड मिल जाता है ऐसा, तो मैंने 200 ग्राम लिया। 3 प्याज ऊपर का टकला कर देना है आपको। उसके बाद ये 2 टुकड़े मैंने सूखे नारियल के ले लिए हैं, लगभग 20-25 ग्राम होंगे। अब इन्हें आपको इसे काला कलूटा बैगन लूटा करना है। अब कुछ लोग किस वो दिमाग में क्या भावना रहती है, अरे ये तो काला हो गया, टेस्ट कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट होता है, आप एक बार खा के देखेंगे इसकी लत लग जाएगी। तो अभी हमने सबसे पहले आपको नारियल को काला कर लेना है, उसके बाद प्याज को काला कर लेना है, निकाल लेना। अब कुछ मसालों की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए गैस ऑन कर दिया। पैन में एक दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, 4 मैंने इसमें सूखी कश्मीरी लाल मिर्च या नॉर्मल लाल मिर्च सूखी ले लीजिएगा, 3 तेजपत्ता, 1 चम्मच आपको जीरा डाल देना है, आधा चम्मच काली मिर्च डालनी है आपको, 1 चक्रफूल डालना है, उसके बाद 1/4 चम्मच की जितना लौंग या 15 लौंग डाल दीजिएगा, 1 छोटी इलायची और 2 चम्मच आपको सफ़ेद तिल डालना है, उसके बाद 1 बड़ी इलायची डाल दीजिएगा। और इसको मीडियम फ्लेम पे, इसको भी थोड़ा सुनहरा होने तक, खुशबू आने तक, इसका रंग डार्क होने लगेगा तब तक इसको हम भूनेंगे। अब देखिए, कुछ देर के बाद ये डार्क होने लगा है, आप देख सकते हैं। अब एजुअली अक्खा सूखा धनिया हम इसमें डालते हैं, बट मेरे पास धनिया नहीं है अक्खा, तो मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। अब पाउडर जल्दी ब्लैक पड़ने लगेगी, भुनने लगेगी, तो जब ये हल्का ब्राउन होने लगे धनिया, मतलब 1 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, तब आपको गैस बंद कर दिए। देखिए, अब ठंडा करके आपको मिक्सर जार में डाल देना है। उसके बाद रुकिए, उसके बाद इसमें 2 टमाटर आपको मीडियम साइज के कट करके डालने हैं, और जो काले कलूटे हमने प्याज और नारियल किया था वो भी इसके अंदर आपको डाल देना है। धनिया, 1 मुट्ठा धनिया, मतलब मुट्ठे से 1 मुट्ठी धनिया आपको इसमें डाल देना है, ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा तांबड़ा रस्सा या काला रस्सा जो यहाँ बोलते हैं, वो बन के तैयार हो चुका है। अब ज़्यादा कोई मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा सा भगोना पतीला लेंगे, ऑयल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी क्योंकि ग्रेवी भी ज़्यादा रहती है और थोड़ा तरी आना चाहिए इसमें, तो लगभग 60-70 ml की जितना मैंने ऑयल लिया है। उसमें ये काला मसाला, थोड़ा पानी मिक्सर जार में डाल के मिला के मैंने डाल दिया है, जो मसाले मिक्सर जार में वो चले जाएँ। उसके बाद मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी स्पाइसी होती है तो मैंने 1.5 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, बहुत अच्छा कलर आएगा इससे। तो इसे आपको अच्छी तरह मिलाना है। सिंपली इसमें एक बॉईल आने लगेगा, जब बॉईल आने लगे तब आपको ये मठ जो है, जिन्हें उसल बोलते हैं महाराष्ट्र में, उसल मठ, ये आपको इसमें डाल देना है। अब ढेर सारा पानी, लगभग 2 लीटर पानी ऐड करना है आपको इसमें। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर दीजिए, और उसके बाद आपको इसको अच्छी तरह मिला। आप कलर देख सकते हैं कितना भयंकर कलर आया, मतलब मज़ा आ जाता है खा के। थोड़ी स्पाइसी होती ही है ये। अब ढक के आपको मठ के पकने तक पकाना है, 15 से 20 मिनट लगेंगे, आप इसे बॉईल होने दीजिएगा। नॉर्मली जहाँ पे मिसल पाव मिलता है वहाँ पे तो ये बॉईल होता ही रहता है। और ये हमारा जो मिसल है या उसल है, बन के तैयार हो चुका है। अब देख सकते हैं कितना अच्छा तांबड़ा कलर आया है, जिसे काला रस्सा बोलते हैं, वो बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें से थोड़ा सा मठ निकाल के एक प्लेट में डालेंगे, उसके बाद ग्रेवी डालेंगे, ऊपर से थोड़ी तरी डालते हैं ताकि इसका कलर अच्छा लाए। शेव डाल देंगे, मोटी वाली और पतली वाली। उसके बाद इसके ऊपर हम चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे, और उसके बाद आप, मेरे मुंह में पानी आने लगा, नींबू ऐड करते हैं। ओफ, इसके मतलब दीवाने हैं यहाँ पे। और पाव ले लेंगे, इसके साथ है ना पापड़ ले लीजिएगा, उड़द दाल की पापड़ जो होती है ना, वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और बस नींबू निचोड़िए और शुरू हो जाइए। महाराष्ट्र में जगह जगह पे ये मिलती है, बहुत प्रचलित है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।